अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो जैकेट्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि मुझे ये जो मोटी वाली जैकेट्स हैं विंटर वाली, इनको वॉश करके रखना था, क्योंकि अब जो है वो इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है वो प्रॉपर गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा मैं इनको वॉश करके जो है वो अंदर रख दूँ, और बाकी जो हमारा ये रिगाल बना हुआ है इसको जो है वो मैं अच्छे से सेट कर दूँ, इसमें जो लाइट वेट जैकेट्स हैं वो जो है वो सेट कर दूँ। तो इनको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया था, उसके बाद मैं रोसमान चली गई थी। अच्छा, तो मुझे यहाँ से अपना जो है ना वो कॉम्पैक्ट पाउडर लेना था, जो कि मेरा मैं यूज़ कर रही थी वो टूट गया था। वो जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी ग्लैमरस फेस का, वो इतना ज़्यादा अच्छा था, वो मैं डेली मतलब यूज़ कर रही थी। तो मैं ज़्यादातर जो है ना वो कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करती हूँ, मतलब मॉइस्चराइज़र लगा के, सनब्लॉक लगा के, तो फिर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देती हूँ। और उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी कवरेज थी, वो मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उसमें थोड़ा सा ही रह गया था, लेकिन बस वो गिर गया तो टूट गया, और बस अब मुझे दूसरा चाहिए था, क्योंकि अभी समर में मैं ज़्यादातर जो है ना वो कॉम्पैक्ट पाउडर ही यूज़ करती हूँ, मतलब फाउंडेशन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती। और मेरी जो है ना वो आदत है कि मैं घर में भी जो है ना वो हल्का फुल्का तैयार होकर बैठती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो बस हल्का फुल्का फेस पाउडर वगैरह लगा लेती हूँ, टिंट लगा लेती हूँ, तो बस इस तरह से जो है ना थोड़ा सा बंदा फ्रेश रहता है। तो बस मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने सोचा मैं रोसमान चली जाती हूँ लेने। और यहाँ से मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन सा लूँ, क्योंकि जो मैं यूज़ कर रही थी उसका जो फार्मूला था वो थोड़ा सा क्रीमी सा था, तो वो अच्छा था, और यहाँ पर ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में होते हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैंने एक ले लिया था फिटमी का, तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे मैं ज्वेलरी वगैरह देख रही थी, जो कि बहुत ही अच्छी आई हुई थी, मतलब समर के हिसाब से, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे एंकलेट्स वगैरह भी बहुत प्यारी लग रही थी, और मतलब कलरफुल सी ज्वेलरी थी। वैसे तो इतनी नज़र नहीं आती, वैसे बस सिल्वर और गोल्डन होती है, लेकिन अभी जैसे समरी सी मतलब ज्वेलरी आई हुई थी तो अच्छी लग रही थी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यहाँ पर मतलब इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे ना ऑफ भी लग जाता है, मतलब ज्वेलरी में कभी 30% 20%, तो उसमें फिर आपको जो है ना वो सही प्राइस में मिल जाती है। तो मुझे यहाँ पे ये एंकलेट्स जो है ना बहुत प्यारे लग रहे थे, कलरफुल से। अच्छा, मुझे जो है ना वो ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा एंकलेट्स अच्छे लगते हैं और रिंग्स अच्छी लगती हैं, मतलब मुझे कहीं से भी रिंग्स और एंकलेट्स अच्छे लगें तो मैं ले लेती हूँ। मतलब वैसे तो सारी ज्वेलरी अच्छी लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे एंकलेट्स और मतलब रिंग्स जो है ना वो अच्छी लगती हैं, और बस उनको बार बार लेना भी अच्छा लगता है। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों को ज्वेलरी में से जो है ना वो कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये वाले एयरिंग्स भी अच्छे लग रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी पाकिस्तानी मतलब स्टॉल पे खड़ी हूँ ना, उस तरह के एयरिंग्स थे ये। तो वैसे तो इस तरह की वैरायटी बहुत कम होती है, मतलब कहीं कहीं नज़र आती है, तो अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर जो है ना ये वाले एयरिंग्स देखे, इसमें जो है ना वो स्नैक बना हुआ था, इस तरह की एक रिंग भी थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, सेम उसी पैटर्न में थी, तो इसमें भी जो है वो स्नैक बना हुआ था। तो मुझे यहाँ पे अच्छी लगी थी ज्वेलरी, थोड़ी सी कलरफुल सी थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बस यहाँ से मैंने शॉपिंग कर ली थी, बस एक ही चीज़ लेनी थी, वो मैंने ले ली थी, ये वाला फेस पाउडर मैंने लिया था, शेड मैंने लिया था 220, और इसी शेड में मेरे पास फाउंडेशन भी है इसका, तो बस मैंने उसी शेड में जो है वो ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले लिया था। अच्छा, तो इसको मैंने जो है ना वो एक दफ़ा यूज़ भी कर लिया है, तो ठीक है, इसकी कवरेज अच्छी है, लेकिन जो मैं यूज़ कर रही थी वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। बस होता है ना कि मतलब एक चीज़ जो है वो यूज़ करता है वो अच्छी लगती है, तो बस फिर वही अच्छी लगती है, दूसरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो खैर, अभी तो फ़िलहाल इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा, और फिर अगर किसी का जाना हुआ पाकिस्तान तो मैं फिर जो है ना एक्स्ट्रा मंगवा लूँगी, 2-3 जो है ना मंगवा लूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरी जैकेट्स वगैरह धुल गई थी, तो इनको मैंने जो है वो डाल दिया था बालकनी में, ताकि इनको जो है वो धूप लग जाए अच्छे से, क्योंकि धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से सूख जाएंगे, और बस फिर इनको मैं अंदर रख दूँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, जो कि ग्रास वगैरह कट चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पता है आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ से बालकनी का या विंडो का मैं थोड़ा सा व्यू करवाती हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है नेचर जो है वो सबको ही अच्छी लगती है, और इस तरह की ग्रीनरी और सबको ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोचा मैं दोबारा से थोड़ा सा आपको व्यू करवा देती हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैंने जो धनिया लगाया था वो भी निकल आया था, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखा दूँ, बस इनको भी मैंने पानी वगैरह दे दिया था। उसके बाद जी लंच का टाइम हो गया था, और लंच में जो है मैंने अक्सर को नूडल्स बना दिए थे, उसको नूडल्स खाने थे, और अपने लिए मैं जो है वो चाट बना रही थी, फ्रूट चाट।
तो आज जो है ना मेरा क्रीम वाली फ्रूट चाट खाने का दिल कर रहा था, तो बस मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल दी थी और बस इसको अभी मैंने काट के फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए और फिर मैं जो है ना ठंडी करके खाऊं। तो इसको मैंने बना के फ्रिज में रख दिया और उसके बाद मैं चली गई थी एक्सरसाइज करने। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं की थी, मतलब रोज़े थे तो बस उसके बाद लंबाई गैप हो गया। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब जो है वो लंबा रेस्ट हो गया, अब दोबारा से जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने जो वर्कआउट करने थे वो मैंने कर लिए थे और बस उसके बाद मैं अपना लंच कर रही थी। तो लंच हमारा हो गया था, उसके बाद मैं जो है यहाँ पे गिफ्ट पैक कर रही थी जो अक्सा की फ्रेंड का था, क्योंकि आज उसको जाना था उसकी बर्थडे में। तो बस मैंने जो है इस गिफ्ट बैग में उसकी डॉल और जो भी गिफ्ट था वो मैंने इसमें डाल दिया और बस इसी को ही ना मैं ऊपर से जो है वो बंद कर दूँगी। तो इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो मैं बस अपोजिट इस तरह से डाल के तो ऊपर से खींच लूँगी, तो ये अच्छे से जो है वो पैक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अक्सा को रेडी करने लगी थी, तो उसका मैंने जो है ड्रेस निकाल दिया था, तो ये वाला फ्रॉक निकाला था जो कि H&M से लिया था और साथ में बस इसके पिंक टाइट्स निकाल दी थी और शूज़ हेयर बैंड्स वगैरह सारी चीज़ें निकाल ली थी ताकि मैं उसको रेडी कर लूँ। और यहाँ पे जो है वो अक्सा रेडी हो गई थी, तो बस अभी मैं इसको ड्रॉप करने के लिए जा रही थी और यहाँ पे मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स वगैरह ली क्योंकि बहुत अच्छी पिक्चर्स आ रही थी यहाँ पे। लेकिन उसको था कि नहीं बस जल्दी चलो, जो है वो देर हो रही है, मतलब बच्चों को जो है ना वो पिक्चर निकालने का कह दो ना तो बस उनको पता नहीं क्या हो जाता है। हमें होता है कि हमारे बच्चे जो है वो अच्छे से रेडी हुए हैं तो हम उनकी अच्छी सी जो है वो पिक्चर्स निकालें, लेकिन बच्चों को इस चीज़ में जो है ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं मतलब, लेकिन मतलब ज़्यादातर जो है वो इसी तरह ही होते हैं। खैर उसको मैंने ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। अच्छा घर आके फिर मैंने जो है ये वाला काम करना था अपना, जो ये वाला रिगाल है इसको सेट करना था। तो बस मैंने यहाँ पे जो लाइट वेट जैकेट्स हैं वो हैंग कर दी थी। तो यहाँ पे ये वाली जो है वो रेन जैकेट्स हैं, यहाँ पे अक्सा की है, मेरी है और साथ ही यहाँ पे जो हल्की वाली जो हुडीज़ होती हैं वो हैं। तो बस इनको मैंने जो है वो हैंग कर दिया। अच्छा ये वाला रिगाल जो है ना बिल्कुल हमारे एंट्रेंस के सामने ही बना हुआ है क्योंकि इस तरह के यहाँ पे बने हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैकेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो बस ये एंट्रेंस के सामने ही इस तरह की चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग अपनी जैकेट्स, कोट्स, जो भी है अम्ब्रेला वगैरह सब कुछ हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बना हुआ है, तो ऊपर जो है वो हमारी होती हैं और नीचे भी जो है वो इसके हुप्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अक्सर जो है वो अपने हैंग करती है। साथ ही यहाँ पे हमारी अम्ब्रेलास भी पड़ी हुई हैं, तो बस जो भी चीज़ जिस तरह का मौसम है बस उसी हिसाब से जो है हम लोग चीज़ें उठाते हैं और पहन लेते हैं। अच्छा जी उसके बाद अक्सा को पिक करने का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पे मैं उसको लेके आ रही थी वापस और वो मुझे दिखा रही थी कि उसको जो है वो गुटी बैग मिला था। तो बस उसने जो है ना बहुत इंजॉय किया अपनी फ्रेंड्स के साथ, सारी जो क्लास फेलोज़ हैं वो भी आई हुई थी, तो अच्छी सी उसकी जो है ना वो पार्टी हो गई। और आज जो है ना मेरी अच्छी खासी वॉक हो गई थी, तो मैं आगे चल के आपको स्टेप्स भी दिखाती हूँ। तो मैंने ये घड़ी पहनी हुई थी तो यहाँ पे मेरे स्टेप्स काउंट हो रहे थे, तो यहाँ पे मेरे तकरीबन 6000 जो है ना वो होने वाले थे। तो अच्छी खासी जो है ना वो गर्मियों में वॉक हो जाती है हमारी। तो बस जी आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।